हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। आज जो क्लास है वो आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, जो आपकी मैं क्लासेस ले रही हूँ वही है। और आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करो। साथ ही आप लोग जरूर बताया करो क्लास कैसी लग रही है, और बच्चों को भी जोड़ो इस क्लास में। आपकी इसमें 9212 पद हैं, इतने अच्छे पद हैं। आप लोग जल्दी से इसको शेयर करो, पढ़ो और आप नोट्स तैयार करो। देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको सब करा रही हूँ, जो कोई नहीं करा सारे टॉपिक करा रही हूँ, तो आप लोग जरूर उसको पढ़ो। स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तो उत्तरदायी होता ही है, किंतु देश व समुदाय के स्वास्थ्य शिक्षा की समस्या को हल करना सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जन स्वास्थ्य की आवश्यकता वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुभव की गई। इसे हल करने के लिए सरकार ने 1956 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की, और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य संस्थाओं का गठन किया। सभी स्तर की संस्थाओं को अपने अपने पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे गए, जो जनता को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ के अवसर प्रदान करें। इन स्वास्थ्य संस्थाओं की सेवाएं निम्न प्रकार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, तो सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजना के प्रमुख स्थान दिया, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया। इस मंत्रालय के अंतर्गत अनेक उपभाग थे, बहुत सारे। केंद्रीय मंत्रालय इस विभाग व उपभाग का संचालन करता था और देश भर में जन स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करता था। केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो विशेष रूप से विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार का व्यवस्था करता था, जिसका माध्यम फिल्म पोस्टर चित्र आदि होते थे। इसके अतिरिक्त देशी विदेशी स्वास्थ्य संस्थाएं, निकायों, संगठनों के कार्यों में सहायता प्रदान करने के कार्य भी सौंपे गए। ब्यूरो ने 1957 में स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का गठन किया, जिसके तीन उपभाग थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का पहला था अध्यापकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण विभाग, दूसरा था माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, तीसरा था प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा विभाग। फिर आपका राज्य स्वास्थ्य विभाग, तो 1959 में केंद्रीय मंत्रालय की सलाह से देश के मुख्य 13 राज्यों में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का गठन किया गया। तो 1959 में केंद्रीय मंत्रालय की सलाह से देश के मुख्य 13 राज्यों में राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का गठन किया गया। इसके कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किए गए, क्षेत्र विकास खंडों में स्वास्थ्य केंद्र खोलना, स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रचार कार्य करना, परिवार नियोजन, मलेरिया चेचक उन्मूलन अभियान चलाना। इस प्रकार प्रत्येक राज्यों पर वहाँ की जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान प्रदान करने का भार सौंपा गया, और उनके कार्यों में केंद्रीय सरकार भी क्या करती थी, सहायता करती थी। तो हम लोगों ने आज जो स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन है उसमें हम लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभाग इसको पढ़ा है, ये पार्ट वन था। कल हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी जो संगठन है उसमें आपका जो जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग है इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, आप लोग पहुँचाओ। अब पहुंचाओगे तो मुझे मेरा मन और करेगा मेहनत करने का, और अच्छी सी वीडियो लाऊंगी और डिटेल में लाऊंगी और आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके और लोगों तक पहुंचाओ। धन्यवाद।